हेलो स्टूडेंट्स वंस अगेन टू इंग्लिश क्लास टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ लेसन द एडवेंचर्स ऑफ टोटो रिटन बाय रस्किन बॉन क्वेश्चन नंबर वन इज हाउ डिड टोटो कम टू ग्रैंड फादर्स प्राइवेट ज़ू राइटर के ग्रैंड फादर मीन्स दादाजी ने प्राइवेट ज़ू मीन्स चिड़ियाघर में टोटो कैसे पहुँचा तो आंसर है ग्रैंड फादर वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ पैट्स ही हैड ए स्मॉल प्राइवेट जू ऑफिस

In what sense is Toto pretty? Toto sundar tha, kis Toto sundar The answer is, Toto was a pretty monkey because Toto has bright eyes, white teeth like pearls and its long tail added to his good looks. टोटो बहुत सुंदर था क्योंकि टोटो की आंखें चमकदार थी दांत सफ़ेद थे जैसे मोती और उसकी दुम उसकी खूबसूरती को और भी बढ़ाती थी द क्वेश्चन थर्ड इज़ वाई डज ग्रैंड फादर टेक टोटो टू सहारनपुर एंड एंड हाउ दादाजी टोटो को सहारनपुर क्यों लेकर गए और कैसे So answer her Toto troubled other pet animals of the zoo they were not able to sleep at night. Suddenly the grandfather had to go to Saharanpur to show draw his pension. So he carries him to Shaharanpur with his with in his canvas kit bag. टोटो चिड़ियाघर में दूसरे जानवरों को परेशान करता था उन्हें पूरी रात उन्हें सोने नहीं दे, देता था अचानक दादाजी सहारनपुर जा को जाना सहारनपुर जाना पड़ा अपनी पेंशन लाने के लिए तो उन्होंने दादा टोटो को कैनवास बैग में डालकर सहारनपुर अपने साथ ले गए क्वेश्चन नंबर फोर इज़ वाइट डज़ द टिकट कलेक्टर इंसिस्ट ऑफ इंसिस्ट ऑन कॉलिंग टोटो ए डॉग टिकट क्लेक्टर क्यों टोटो को डॉग कह के बुला रहा था द आंसर इज द टिकट कलेक्टर कॉल्स टोटो ए डॉग बिकॉज देयर वॉज नो सेपरेट रूल फॉर मंकीज़ टिकट कलेक्टर ने टोटो को डॉग इसलिए बुलाया क्योंकि मंकीज़ को सफर करने के लिए कोई ऐसा कानून अलग से कानून नहीं क्वेश्चन फाइव इज हाउ डज़ टोटो टेक के बाद वेर हैज़ ही लर्न टू डू दिस टोटो ने नहाना किस तरह से सीख किस तरह सीखा और ये सब कुछ उसने किस से सीखा तो आंसर इज द काइंड लेडी ग्रैंड मदर यूज टू ब्रिंग ए बाउल ऑफ वार्म वाटर टू टोटो एंड इट वुड टेस्ट इट्स टेम्परेचर देन इट वुड ग्रेजुअली एंटर द बाउल टू हैव ए बाथ इट वुड ऑल्सो रब हिमसेल्फ विथ सोप ही हैड लर्नड ऑल दिस बाई वॉचिंग आथर राइटर की दादी माँ उसे गर्म पानी का बाउल नहाने को देती टोटो पहले उसमें अपनी पानी का टेम्परेचर चेक करता फिर आहिस्ता आहिस्ता उस बाउल में घुसता नहाने के लिए और वो अपने आप को साबुन भी लगाता ये सब कुछ टोटो ने ऑथर से सीखा था क्वेश्चन नंबर सिक्स इज हाउ डज़ ही ऑलमोस्ट बॉयल हिमसेल्फ अलाइव। टोटो ने कैसे अपने आप को लगभग बॉयल कर लिया था द आंसर इज वन डे अ लार्ज टी कैटल वॉज प्लेसड ऑन फायर फॉर मेकिंग टी टोटो फाउंड द राइटर वाटर वॉस्ट नो टाइम टू एंटर द कैटल फॉर ए बाथ बट सून दाटर बिगिन टू बॉय एंड टोटो बिगिन टू होप अप एंड डाउन लकली द ग्रैंड मदर केम दियर एंड पुलट इट आउट ऑफ द केटल इन चाय एक दिन बड़ी सी कैटल में पानी डालकर आग पर रखा चाय बनाने के लिए रखा था टोटो ने डन उठाया पानी गर्म देखा तो टाइम ज़ाया ना करते हुए उसने केटल में ओ कैटल में घुस गया नहाने के लिए मगर थोड़ी देर में पानी बॉयल होने लगा तो टोटो पानी में जंप करने लगा टोटो की खुश खुशकस्मती थी कि वहाँ दादी जी आ गई और टोटो को जल्दी से बॉयल पानी से बाहर निकाल दिया क्वेश्चन नंबर सेवन इज़ विच एक्टिविटी ऑफ़ टोटो एंड ग्रैंड मदर दादी जी टोटो Ke kon se par naraz hui. The answer is Toto was stuffing himself with the plow on the dining table. When the grandmother shouted at Toto, he threw a plate at her. And a glass of water on another lady. Then it would carry the plate with the plough onto the tree. It kept enjoying the plough for a long time and then dropped the empty plate to the ground. When the dish broke into pieces, he chattered with delight. All this annoyed grandmother. Toto khane a table par पुलाव फेंक रहा फै, फैला रहा था जब दादी माँ ये देखकर चिल्लाई तो टोटो ने उसके ऊपर प्लेट फेंक दी और दूसरी औरत पर पानी का गिलास फेंक दिया फिर टोटो पुलाव वाली प्लेस प्लेट को लेकर दरख्त पर चल चढ़ गया और पुलाव का मज़ा लेने लगा खाने के बाद खाली प्लेट ने को ज़मीन पर फेंक दी और प्लेट टूट गई और खुशी से चलाने लगा ये सब देखकर दादी माँ नाराज़ हो गई क्वेश्चन नंबर एट इज़ व्हाई डज द आथर सीज टोटो वाज़ नॉट द शॉर्ट ऑफ पेट वी वई कीप फॉर लॉन्ग क्यों आथर ने कहा कि टोटो को आ, अब पालतू जानवर बहुत देर तक नहीं रख सकते हम तो आंसर इज ऑथर्स ग्रैंड फादर वॉन्टेड टू कीप टोटो एज ए पैट ही पुट हिम इन द प्राइवेट जू बट टोटो वॉज वेरी नॉटी ही डि नॉट बी केम फ्रेंड्स विद अदर एनिमल्स एंड कैप्ट ऑन टीयरिंग एंड ब्रेकिंग थिंग्स इन द हाउस सो द ऑथर वॉज राइट टू इन द वर्ड्स टोटो वॉज नॉट द शॉट ऑफ पैट वी कुड कीप फॉर लॉन्ग ऑथर ने के दादाजी चाहते थे टोटो को अपने ज़ू में पालतू जानवर बना के रखें मगर टोटो बहुत ही शरारती था वो ज़ू में दूसरे जानवरों के साथ अच्छी तरह से नहीं रह पाया वो घर की सारी चीज़ें तोड़ता काटता था तो इसकी इसी लिए आथर कहने को मजबूर हो गया कि टोटो को बहुत टाइम तक पालतू बना के नहीं रख सकते नेक्स्ट इज़ लैंगवेज वर्क यूज़ द फॉलोइंग फ्रेजेस इन यूर अवन सेंटेंसेज फ्रेजेस दिए हुए हैं आपको इनको सेंटेंसेज में बनाना है तो मैंने उसके साथ आपका उसका मीनिंग भी फ्रेजेज़ का मीनिंग भी दिया है तो स्टार्ट करते हैं क्वन इज आउट ऑफ प्लेस अनस्यूटेबल दिस ओल्ड फर्नीचर विल लुक आउट ऑफ प्लेस इन ए मॉडर्न हाउस सेकेंड आउट ऑफ रीच बीन्ड वन इज रिच टू बाई दिस कॉस्टली नेकल्स इज़ आउट ऑफ माई रीच Third, private for, to supply the needs. A father out to provide for the needs of his family. Fourth, taken aback, highly surprised. I have really taken aback by her rudeness. Five, in vain, of no use. The spider tried hard to get, get to its key web, but all in vain. Six, well to do, rich. His parents are quite well to do. Seven, me can exist. Depart. As soon as I reached there, he mad and exist swiftly. Eight, get hold. Hold in hands, I mouth. When the piece of cheese fell, the box got hold of it. Nine, scoop up. Show. The farmer is scooping up water into the channel from the pond.

Answer The question was too difficult to be solved by him. Second, she is so weak that she cannot stand. Answer is, she is too weak to stand. Third, he is so clever that he cannot be cheated. Answer is, he is too clever to be cheated. Fourth is, it was so hot that he could not stand in the sun answer is it was too hot for him to stand in the sun fifth is it was so dark that he could not see anything answer is it was too dark for him to see anything so this lesson was completed thank you for watching this video